नमस्कार यारो, मैं हूँ रॉकी और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और ये है कुसमा गायदा ब्रिज, जो नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे हाईएस्ट माउंटेन सस्पेंशन ब्रिज है। सुपर माइंड ब्लोइंग। और इसको लेकर ऐसे तीन ब्रिज और भी हैं इसके आसपास। और ये 1128 फीट लंबा है और 384 फीट ऊंचा है मोदी रिवर के ऊपर। नीचे जो रिवर देख रहे हैं वो मोदी रिवर है। अगर किसी को हाइट या वर्टिगो का प्रॉब्लम है तो इस ब्रिज को मत ही पकड़िए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड थे जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम था, जो हम लोग ने लास्ट में जाना कि उनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जब उन्होंने ब्रिज में पकड़ा था तो ही वॉज ऑलमोस्ट पासिंग आउट और वो कांप रहे थे पूरा ब्रिज में। तो उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ अपने इस चैनल में, इसके बाद ही शायद मैं डालूँगा। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोग जानते नहीं ना, हम लोग बाहर से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कलकत्ता से। नहीं बताया नहीं किसी ने। और ये पोखरा से 60 किलोमीटर दूर है ये ब्रिज। और जो पोखरा आते हैं इस ब्रिज को ज़रूर यहाँ पर आइए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा और ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा लगेगा। Man, that's awesome, man. এ ভাই একসাথে কেন এলি সবাই বকছে? ওখানে তোরা পরপর তিনজন একসাথে ব্রিজে উঠেছিস। ডিস্টেন্স মানে কি? একজন এখানে উঠবে তারপর আসবে, রিস্ক আছে না ইয়ার? মানসিলে মানকা ভুবন और अंकल से थोड़ा सा डांट पड़ा हम लोगों को, क्योंकि गलती हम लोगों की थी। अंकल एकदम ही ठीक बोले, क्योंकि इस ब्रिज में वन एट ए टाइम जाते हैं और हम लोग ने तीन जन इस ब्रिज में बाइक लेकर गए एट अ टाइम, और वो बहुत ही गलती था क्योंकि ये बहुत ही रिस्क है, क्योंकि तीन बाइक का वेट भी बहुत ज़्यादा है और ये केबल ब्रिज है तो ऐसा करना नहीं चाहिए था हम लोगों का। तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज। और ये अंकल एकदम ही ठीक थे क्योंकि हम लोगों ने गलती की। কত দিচ্ছে আমরা তাহলে যেতে হবে না? হ্যাঁ ওই জন্যই বলছি। অ্যাকশন অ্যাকশন যাস।
अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आने वाली वीडियो को पहले देखने के लिए। धन्यवाद।